जय भीम साथियों, मेरा नाम अनु प्रसाद है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की सोच छात्रा हूँ। पिछले 4 महीने पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा था और सही मायने में वो लोग चुनाव कराना नहीं चाह रहे थे, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि वहाँ पे भाजपा का जो एक छात्र संघ है, जो एबीवीपी है, वो हार रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराना चाह रहे थे। मगर उस इलेक्शन कराने के लिए हम लोगों को 3 दिन आमरण अनशन करना पड़ा, तब जाके हम इलेक्शन करवा पा रहे और हम लोग के साथ धोखा ही हुआ। उस समय भी हम लोग को आश्वासन दिया गया कि इलेक्शन होगा और आप लोग अपना अनशन तोड़ दो। इस आश्वासन पे हम लोगों ने अपना अनशन खत्म किया और 8 तारीख का इंतजार किया, क्योंकि 8 तारीख को डेट आने वाली थी और डेट रिलीज हुई थी। मगर उससे पहले ही LIU की रिपोर्ट जा चुकी थी कि एबीवीपी अब जीतने वाली नहीं है और इस बार की अध्यक्ष एक बहुजन समाज की बेटी होगी। और रिपोर्ट के चलते जब ऊपर तक ये रिपोर्ट गई तो उनकी सत्ता भी हिल गई और जिसकी वजह से उन्होंने रातों रात एक षड्यंत्र ही रचा कि हम लोग के साथ एक धोखा किया गया कि तुरंत डेट रिलीज करने के बाद 2 मिनट बाद डेट को इलेक्शन खारिज कर दी गई। और हम लोग जब पर्चा खरीदने के लिए वहां खड़े थे तो जाहिर सी बात है कि वो स्टूडेंट जो पर्चा खरीदने के लिए वहां खड़े थे वो आक्रोशित होंगे, क्योंकि उनकी मेहनत थी 3 महीने की। और जब हम लोग आक्रोशित हुए, हम लोग सवाल पूछने लगे तो हम लोग को लाठियों के बीच घेर दिया गया। वहां पे बैरिकेडिंग तो नहीं कर सके मगर लाठियों से भी हम लोग को घेरा गया और सिर्फ वहां के ही एक शिक्षा संघ कर्मचारी के द्वारा हम लोग को उकसाया गया। और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोग के ऊपर लाठियां चलाई गई, अंधाधुंध लाठियां चलाई गई। और इनको इतना भी कानून नहीं पता कि जहां पे महिलाएं होती है वहां पे महिला कांस्टेबल और महिला पुलिस भी होती है, मगर वहां पे कोई महिला कांस्टेबल और कोई महिला पुलिस नहीं थी। उसके बावजूद हम लोग के ऊपर, मेरे ऊपर लाठी चलाई गई और अंधाधुंध लाठी चलाई गई, ये भी नहीं देखे कि महिला थी, कि वहां पे बच्चे थे, वहां पे शिक्षक थे, यहाँ पे कर्मचारी थे, वहां पे एम्प्लॉय थे या मजदूर थे, कुछ नहीं। हम लोग को दड़ा दड़ा के मारा गया और हम लोग घायल अवस्था में जब अस्पताल में थे तो शाम होते होते हमें लोग के ऊपर केस कर दिया गया और वो भी आम केस नहीं, 307 हत्या का प्रयास मेरे ऊपर 307 लगा और आज भी वो 307 कायम। मेरे साथी को 3 महीने तक जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनु प्रसाद का समर्थन कर रहे थे, ना कि एबीवीपी का। और उनसे ये कह के वहां पे जेल में डाला गया कि आप एबीवीपी का समर्थन करो ना कि अनु प्रसाद। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इन एक हालातों को वाकिफ कराना चाहती हूँ कि गोरखपुर शहर, जो कि योगी का शहर माना जाता है, वहां पे इस तरीके से बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब वो उभर के आ रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक छोटी सी वाक्य मैं आपसे बताऊंगी। आज से कुछ महीने पहले, हालांकि मुझे यहाँ इतने बड़े मंच पे ये बात बोलनी नहीं चाहिए मगर क्योंकि वो बात ही ऐसी है, मुझे बोलना पड़ेगा। 3-1 महीने पहले यहाँ हमारे राष्ट्रपति जी ने MINIT में दीक्षांत में उन्होंने एक शब्द कहा, एक स्टेटमेंट दी कि आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। मैं उनसे एक बात पूछती हूँ, अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या आज आप वहां होते? अगर इस रिजर्वेशन के बलबूते आप वहां पहुंचे हो तो आपको रिजर्वेशन के ऊपर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सबको रिजर्वेशन से इतनी ही आपत्तियां हैं तो एक नियम लागू करिए कि आजादी के बाद सिर्फ 2 पीढ़ी की संपत्तियों को अधिकार मिलेगा, उसके पहले कि आपके पास जितनी संपत्तियां उसको सरकारी जब्त कर ले। हम बराबरी की बात करेंगे और तब हमसे कहना कि रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है, तब तक रिजर्वेशन पे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना वो हाथ उखाड़ने की हिम्मत, उस हाथ उखाड़ने का दम हम बहुजनों में है।